ये बोट मॉडल क्वेश्चन है ये 4। 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सबसे आसान तरीका बताते हैं सॉल्व करने का। कुछ एग्जाम उज्जियम नहीं करना है, सीधा इसको हल कीजिए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपौन y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो क्या होगा मेरा y जो है ये वाला टर्म कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास में, ना पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, 15 बाय x माइनस 1 प्लस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 6, यह कितना हो जाएगा 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। बच गया मेरे पास में क्या बच गया है, ये दोनों दोनों एक जैसा ही है, तो कितना होगा 21 हो जाएगा, x अपॉन x माइनस ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा कितना होगा 7 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे इससे 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ कितना हो गया, x का मान 3 इधर है उधर ले जाएंगे तो ये 3 × 4 बन जाएगा, ये हो गया x का वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, वही बात करेंगे फिर, पुटिंग द वैल्यू वाला बात ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2। ये कितना है, x का मान 4 है, तो 5 अपॉन 4 माइनस ये होगा 1, प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब उसको घटाएंगे तो होगा 5/3 हो जाएगा, प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, -5/3 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा फिर, 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 - 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, फिर से करेंगे इसको हल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्सेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। y का मान कितना हो जाएगा 3, उसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 3 2 5, ये हो गया मेरा y का मान। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।